इस बार क्लास 11th में आग लगा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास 10th में जो गलती करी थी ना जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार शुरू से प्लानिंग करके लेके चलूंगा क्या करना है कैसे करना है, और जो सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो पहले सॉल्व कर लूंगा। जैसे कि तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि क्लास 11th में हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से या किसी और बुक? क्लास 11th में हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? 11th क्लास का सिलेबस क्या है? कौन से टीचर से पढ़े और कैसे डिसाइड करें कौन सा टीचर हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा टीचर हमारे पे फिट बैठेगा? कितने मार्क्स लाना जरूरी होता है और किस वजह से क्लास 11th में बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं और जो उनको 12th में दिक्कत देते हैं? और हाँ, एग्जाम किस पैटर्न में होगा, टर्म 1 टर्म 2 में होगा या डायरेक्ट एनुअल एग्जाम? तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्लास 11th में कौन सी बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी या किसी और बुक को? तो सिंपल आंसर ये है कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि क्लास 11th में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान देना पड़ता है और बेस्ट बुक है इसके लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उसको शार्प कर देगी, आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हो, वहां पर एग्जांपल अच्छे से दिए हुए हैं, इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करो। और साथ में अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और कॉन्सेप्ट आपके सारे एनसीईआरटी से स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसकी दिक्कत मत लेना। अगर आपके पास जब भी टाइम बचता है तो आप एग्जाम्पल वगैरह सोल्व कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी पूछा है कि क्लास 11th हार्ड होती है इजी होती है? देखो सिंपल सा आंसर है, हार्ड कुछ नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। इसलिए अगर आप तुम डेडिकेशन के साथ डे बाय डे पढ़ोगे, डेली क्लास अटेंड करोगे, बैकलॉग नहीं रखोगे और इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको क्लास 11th बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाली है, मजा आएगा तुम्हारे को पढ़ने में। और जो तुम्हारी स्टडी है ना उसको काफी दिनों तक ब्रेक ना मारना, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा 3-4 हफ्ते के लिए गायब, फिर पढ़ा फिर 3-4 हफ्ते के लिए गायब, डेली 2 घंटे पढ़ो पर पढ़ो। और जो क्लास में वर्क रहा जाए उसको डेली करो, बीच बीच में छोड़ छोड़ के करोगे तो बैकलॉग बनता जाएगा और फिर तुम्हारे एंड में रोने वाले काम हो जाएंगे, भैया मर गया बचा लो। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि क्लास 11 में हमें कितने आवर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए अपने स्कूल ट्यूशन से अलग। अब तुम 6 आवर स्टडी कैसे कर सकते हो, ये नहीं है कि तुम एक साथ ही पढ़ने बैठ गए, तुम पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जैसे 30 मिनट स्टडी कर ली, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 60 मिनट स्टडी कर ली, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, और ब्रेक में तुम फ़ोन का यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या होगा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम फ़ोन चलाने में लग जाओगे, 10 मिनट का ब्रेक और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तुम ब्रेक में इधर उधर घूम लो, म्यूज़िक सुन लो या अपने डेस्क वगैरह को क्लियर कर लो, और कमेंट करके बताना मुझे कि तुम इस वीडियो को देख के कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हो। तो हमने ये तो देख लिया हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि हमारा क्लास 11 का सिलेबस क्या है। तो क्लास 11 के सिलेबस के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट का। अगर मैं सबका लिंक डालने लग गया ना तो आप खुद ही रिल जाओगे, इसलिए सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना, वहाँ क्लियरली मेंशन है मैथ्स का अलग है, हिंदी का अलग है, साइंस का अलग है, वो सॉरी फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के वहाँ अवेलेबल है। अब क्या करना है, सिलेबस ओपन करो अपना, या तो अपनी कॉपी में लिख लो सारे या प्रिंट आउट कर लो और मेजर करो वीकली कि तुम्हारे कितने टॉपिक निमट गए हैं। इससे तुम कॉन्फिडेंस रहोगे कि हमारा मेरा इतना सिलेबस हो गया, और अपने सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस रहोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है जब आप पढ़ते हो तो। और हाँ, अगर तुम्हारे को ये पता नहीं चला है कि अपना शेड्यूल कैसे बनाए तो मेरे को वीडियो के कमेंट बता देना, तो मैं शेड्यूल की वीडियो लेकर आ जाऊंगा और हम बहुत सारे बच्चों के शेड्यूल बनाने में हेल्प भी कर देंगे, इसलिए वो जरूरी है। और हमारा ऐसा एकलौता चैनल है जो आपको 72 आवर्स के अंदर वीडियो बना के दे देगा, चाहे आपको कोई सा भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड, चाहे आपको इंस्टाग्राम पे मिले चाहे यूट्यूब पे, इसलिए कमेंट करके बता देना कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड। नंबर फोर्थ पॉइंट, कौन से टीचर से पढ़े। अब मैं तुम्हें इधर उधर की बातें बताने से अच्छा एक बार बताती हूँ मेरी खुद की पर्सनल। जब मैं क्लास 11 में आई और मैंने ट्यूशन लगाया तो मेरे भाई ने मेरा ट्यूशन वहीं लगवा दिया जहाँ से उसने क्लास 11 के लिए पढ़ा था, ठीक है। और अब जब मैं उन सर के पास गई और मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, वो काफ़ी अच्छे टीचर थे, और इस चक्कर में मेरा 1-1.5 महीना बर्बाद हो गया। तो मैं तुम्हें इसलिए ये बता रही हूँ कि तुम अपना 1-1.5 महीना ऐसे मेरी तरह वेस्ट ना करो, स्टार्टिंग में खुद ही सेलेक्ट कर लो कि कौन से टीचर से पढ़ना है। अब ऑनलाइन भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं और ऑफलाइन भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, तो अब मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना बढ़िया लगता है, और अब तुम खुद सेलेक्ट करो कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम ऑनलाइन टीचर से पढ़ने वाले हो या ऑफलाइन टीचर से। अब अपने चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर कि हमें क्लास 11 में कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि यहाँ पर आपके 10th में या तो बहुत भर भर के मार्क्स आए होंगे या आपके थोड़े कम रह गए होंगे। अब जिसके थोड़े कम रह गए वो तो डे बाय डे पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, शेड्यूल बनाएगा और उसको डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा, पर जिसके भर भर के आए हैं वो तो स्टेशन में होंगे, अरे ऐसे कैसे फुल ला के दिखाएंगे हम मार्क्स। पर जब 11th में जाओगे ना तो वहाँ ना वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, और क्लास भी बदल जाती है, सब्जेक्ट भी बदल जाते हैं, टीचर भी बदल जाते हैं, और मार्क्स लेने का तरीका भी बदल जाता है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी कहीं और चेक होती है, ठीक है। तो इसलिए उस टशन में ना रहना, नहीं तो सारी टशन निकल जाएगी। मैं ऐसे अपने बहुत सारे दोस्त को जानता हूँ जो मेरी फ्रेंड लिस्ट के हैं कि क्लास 10th में मेरे से ज़्यादा मार्क्स है, पर 11th में आ तो फेल होते होते बचे या ऑलमोस्ट फेल हो भी गए बहुत सारे,
तो इसलिए गलती ना करना, अपने मार्क्स को अच्छे से इम्प्रूव करना, डे बाय डे पढ़ना, नोट्स जरूर बनाना और कितने मार्क्स अच्छे होते हैं क्लास 11th में लाना, टारगेट अपना 90 मार्क्स लेके चलो, क्योंकि जो कॉपी चेक होती है स्कूल में होती है तो इसलिए वहां आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं कई बार, क्योंकि टीचर रिस्ट्रिक्ट करके मार्क्स देता है, तो इसलिए 90 मार्क्स का टारगेट बना के चलो, कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11th के मार्क्स कहीं नहीं पूछता है, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे होते हैं क्लास 11th के मार्क्स, क्योंकि उससे तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए अच्छे से पढ़ो और कमेंट करके बताना कि तुम कितना टारगेट बनाने वाले हो क्लास 11th के लिए, कोच बहुत सारे बच्चे 95% ही बनाने वाले होंगे, तो कमेंट करके बताओ कितना टारगेट बनाओगे। तो लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्लास 11 के एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाले हैं, टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग होंगे या एनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लास 11 के एग्जाम एनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन तुम उसी हिसाब से ही करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस चेंज के बारे में पता था या नहीं। और हाँ सुनो, अगर तुम्हारे को वीडियो चाहिए हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 विद एंट्रेंस एग्जाम, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिल जाएगी फिर वीडियो। हाँ।